नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए हम आज पादप जनन का अंतिम अध्याय लेकर के, अंतिम टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। ऑनलाइन श्रृंखला में अब आप वेजिटेरियन कायिक प्रवर्धन अर्थात अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन में पुष्प पढ़ चुके हैं, पुष्पीय भाग पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से फल बीज का निर्माण होता है ये पढ़ चुके हैं। आज आपको किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन पौधों में होता है ये हम पढ़ेंगे। तो कायिक प्रवर्धन कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि शरीर के यानी कि पौधे के किसी भाग से जो है पौधे के नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब ये एक तो प्राकृतिक भी होता है और दूसरे कृत्रिम रूप से होता है। प्राकृतिक में अगर हम देखें, नंबर एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, तो पहला तो जड़ द्वारा, दूसरा तना द्वारा, तीसरा पत्तियों के द्वारा, तो अगर हम जड़ द्वारा सीधे सीधे उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। जड़ द्वारा जैसे आपके देहात में या यूं कह सकते हैं जो जिसे हम कोई जड़ अगर हम जमीन में बैठा देते हैं तो वह जो है नए पौधों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जड़ को अगर हम बैठा देते हैं तो नए पौधों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम तना तना जैसे आलू है, आलू के द्वारा आलू को काट करके या गन्ने को काट करके हम जमीन में गाड़ देते हैं तो जो है नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, तो तना द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन आपने अजूबा आपने देखा होगा, अगर आप कापी में रखे रहिए या कहीं जो है जमीन पर फेंक दीजिए तो अजूबा की पत्तियों से जो है नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन है, प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन है। अब कृत्रिम रूप से बहुत ज्यादा डिटेल इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तो कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, तो जड़ के द्वारा, जड़ हमने बताया कि जड़ों को जो है जैसे एक अध्यात्म में आते गंजी, गंजी को जो है जमीन में जो है जड़ को गंजी उसमें गाड़ देते हैं, या जो है एस्परगस है, एस्परगस को गाड़ देते हैं तो वो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तना है, तना आप गन्ना देख रहे हैं, ईख जिसे कहते हैं, आलू देख रहे हैं काट करके उसमें जो है, हाँ शर्त ये है कि उसमें बल्बिल्स या आंखें होनी चाहिए, तो इस प्रकार से वो नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। पत्तियों में हमने आपको अजूबा बताया। अब आपको कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन किया जाता है, जो शोध संस्थानों में बाग बगीचों में या बागवानी या बड़े बड़े उद्यानों में किया जाता है। तो इसमें कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कलम लगाना, दूसरा होता है गूटी लगाना, तीसरा होता है लेयरिंग जिसे कहते हैं। आप अपने घर पर भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं, लेयरिंग। चौथा होता है ग्रेफ्टिंग, ये चार पांच हैं।
तो कलम लगाना कुल मिलाकर के, जैसे आप किसी पौधे के टहनी को काट लेते हैं कलम लगाने का अगर फिगर देखें, तो ऐसे कम से कम 10 से 12 इंच का पौधा, मान लिया गुलाब का पौधा लेते हैं और इसको जो है इस प्रकार से काट देते हैं ऐसे, और जमीन में इस प्रकार से ऐसे तिरछा गाड़ देते हैं, तो ये नए पौधे के रूप में उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम कलम लगाना कहते हैं। गुटी लगाने की विधि में पौधा और तना, मान लिया ये पौधा है और इससे जो तना निकलता है ये नींबू में प्रक्रिया हो सकती है, तो बहुत ज्यादा 6 महीने से ऊपर का तना होना चाहिए, और इसमें यहाँ ऊपर के फ्लोयम को काट दिया जाता, छील दिया जाता है नाइफ से, चाकू से छील दिया जाता है, और इसमें जो है कुछ सैवाल और कुछ क्या कहते हैं उसको, चिकनी मिट्टी को इस प्रकार से पार्चमेंट पेपर पे बांध दिया जाता है, तो इसे हम गूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? गूटी कहते हैं। और लगभग 1 महीने के बाद इसमें जड़ें निकल आती हैं, तो यहीं से हम इसको अलग कर देते हैं और दूसरी जगह ले जा करके उसको रोपित कर देते हैं, तो इसे हम गूटी लगाना कहते हैं। लेयरिंग की बात करेंगे जब हम, तो लेयरिंग में क्या होता है कि कहीं जमीन पर मान लिया कोई पौधा, नींबू ज्यादातर इसमें किया जाता है, कोई पौधा जमीन से के नीचे टच कर रहा है, जमीन के नीचे टच कर रहा, तो उस पौधे को इस प्रकार से उसकी डालियों को इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मिट्टी लगा करके, यहीं पर दबा देते हैं। कुछ दिन बाद यहाँ पर जड़ें निकल आती हैं और इसको यहाँ से अलग करके हम काट देते हैं और दूसरी जगह रोपित कर देते हैं, तो ये बूटी लगाना है। अगर हम ग्रेफ्टिंग की बात करेंगे तो ग्रेफ्टिंग में क्या होता है कि एक दूसरे का दूसरी जात का पौधा और एक दूसरी जात के पौधे को हम, जैसे मान लिया तना ऊपर का भाग ये इस प्रकार से है, गमले में लगा हुआ है ये पौधा, तो दूसरा पौधा दूसरी जात का पौधा ला करके हम यहाँ पर ऐसे फिट कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे, और इसको हल्का सा बांध देते हैं, तो ये इसमें जो है संयुक्त हो जाता है और ये पौधा नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से कायिक प्रवर्धन यानी कुल मिलाकर के कक्षा 12 का पहला अध्याय पादप प्रजनन आज समाप्त होता है। कल से हम जंत प्रजनन या मानव में जनन की प्रक्रिया को कुछ बताएंगे और कुछ आपको स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।